सीकर में दीपावली के पर्व पर पटाखों के बाजार सजना शुरू हो चुके हैं। लोग अभी से पटाखों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। पटाखों की इस बार भारी डिमांड को देखते हुए अनेक वैरायटी के पटाखे बाजार में आए हुए हैं, जो लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। सीकर के घंटाघर में पटाखों का सबसे बड़ा बाजार लगता है। शहर में 33 बड़े दुकानदारों ने पटाखे बेचने के लिए लाइसेंस लिया हुआ है, जबकि 6 दुकानदारों का लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ। पटाखे बेचने के नियमों के अनुसार सभी दुकानदारों ने दुकानों के बाहर सुरक्षा के लिए अग्निशामक यंत्र, रेत व पानी के इंतजाम किए हैं। मोनू पटाखा शॉप के मोहम्मद जाहिद ने बताया, इस बार पटाखों के दामों में 10 से 15% की वृद्धि हुई है, जिसके चलते बाजार में इस बार पटाखों के कारोबार में काफी वृद्धि होने की संभावना है। मोहम्मद जाहिद ने बताया, उनके पास सबसे बड़ा फवारा अनार है। मार्केट में इससे बड़ा कोई अनार नहीं है। यह अनार 5 मिनट तक चलता है और 15 से 20 फीट की ऊंचाई तक जलता रहता है। इसमें से रंग बिरंगी लाइटें निकलती है, जो काफी आकर्षित करती हैं। इसका रेट 500 रुपए है। मार्केट में एक मरकरी पिकॉक आइटम आया हुआ है, जो सिर्फ उनके पास है। इसे आग लगाने पर इसमें से 5 प्रकार की लाइट निकलती है और पटाखे चलते हैं। इसके बाद यह है मोर की तरह पंख फैला लेता है और मोर की आकृति बन जाती है, इसलिए इसे मोर पटाखा भी कहते हैं। इसका रेट 750 रुपए है। शॉप पर एक गोल्डन लॉयन के नाम से एक बहुत अच्छा ब्रांड है। इस पटाखे पर आग लगाने के बाद शेर का डिजाइन बनता है और 3 से 4 मिनट तक यह चलता है। इसमें 4 प्रकार के फवारे लगे हुए हैं, जो शेर की आकृति बनाते हैं। मोहम्मद जाहिद ने बताया, मार्केट में एक हनुमान जी का गद्दा टाइप का फवारा आया हुआ है। यह वैरायटी बिल्कुल नहीं है। इस पर फुलझड़ी से आग लगाने से फवारा निकलता है और यह 5 से 6 मिनट तक चलता है। इस गधे को हाथ में पकड़कर हनुमान जी की तरह घुमा भी सकते हैं। इसका रेट भी 500 रुपए है। महावीर फायर के रमेश ने बताया, इस दिवाली सीकर में पटाखों का कारोबार मार्केट 2 गुना अधिक रहने की संभावना है, क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत सारे ब्रांडेड पटाखे आए हुए हैं, जो महंगे तो है लेकिन लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं। महंगे होने के बावजूद भी लोग इस वैरायटी के पटाखे खरीद रहे हैं। सीकर शहर में इस बार 1.5 करोड़ से अधिक पटाखों का कारोबार होने की संभावना है। सर ये घोटा है, मार्केट में नया एटनिक पीस आया है ये अभी, और इसकी रेट है 500 रुपये। कैसा क्या निकलता है इसमें? ये फुहारे की तरह चलता है, यहाँ ऊपर फुलझड़ी लगाने से, इसको पकड़े रखो, फुहारे की तरह फुलझड़ी चलेगी है। फिर उसके बाद मार्केट में सबसे बड़ा अनार आया है। क्या ये फुहारा? सबसे बड़ा अनार है, कम से कम भी ये 5 मिनट तक चलता है। फुल हाइट है इसकी, और इससे बड़ा कोई अनार नहीं है मार्केट के अंदर। रंग बिरंगी लाइटें निकलती है। और ये पिकॉप है, 5 फुहारे वाला, एक के बत्ती लगाओगे तो 5 तो जलेंगे, और मोर की तरह ये पंख की तरह फैलेगा। इसका क्या रेट है? इसके 750 रुपये। और क्या प्राइस? उसके बाद एक ये लॉयन है शेर, इसके 4 फुहारे इसमें, और ये भी 550 का है, 4 बार चलेगा, ये भी 2-3 मिनट तक चलेगा। मार्केट में कहीं नहीं है, एंटिक पीस है हमारे पास। फिर उसके बाद आजाद की फुलझड़ी है, एक पीस में, एक डब्बी में 5 पीस आते हैं, और ये टॉप कंपनी पे आता है आजाद। इसके अलावा और कोई फुलझड़ी नहीं है मार्केट में। नमस्कार, मेरा नाम लोकवाल है, हमारी शॉप सीजन शॉप के नाम से है। हमारे यहाँ 3 पटाखे अवेलेबल है, मार्केट मीडियम है अभी, आगे उम्मीद है अच्छी होने की क्राइकी का, और प्रदूषण कम होते हैं, ऐसी क्वालिटी के पटाखे हमारे पास। नई वैरायटी क्या क्या है? नई वैरायटी में हेलीकॉप्टर, बटरफ्लाई, ये ज़्यादा नई वैरायटी के अंदर। दीपावली की खरीदारी को लेकर बाजार पूरी तरह से सज चुका है। सीकर में चारों तरफ रंग बिरंगी लाइट और सजावट नजर आ रही है। होटल, दुकान, कोचिंग, स्कूलों में रोशनी की गई है। शहर के कल्याण सर्किल, जाट बाजार, तापड़िया बगीची, सुभाष चौक, घंटाघर, नानी गेट, तबेला बाजार, रेलवे स्टेशन, कोर्ट रोड, नवलगढ़ रोड, पिपराली सर्किल सहित कई जगहों पर सजावट की है। शहर के बाजार पूरी तरह से रंगीन रोशनी से दुल्हन की तरह सजे नजर आ रहे हैं। यही नहीं, रात के समय लोग इन रंगीन नजारों का आनंद लेने के लिए रील बनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। युवा सजे हुए सर्किल और रंगीन रोशनी को अपने मोबाइल में कैद कर रहे हैं।